हेलो स्टूडेंट, बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल प्लांट पैथोलॉजी में। आपको इम्पोर्टेंट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम प्लांट पैथोलॉजी के बारे में जानेंगे कि प्लांट पैथोलॉजी कहलाती क्या है। तो इसमें है व्हाट इज प्लांट पैथोलॉजी, तो पादप रोग विज्ञान क्या है इसे बोलते हैं। तो पादप रोग विज्ञान के बारे में हम बात करेंगे, पादप रोग विज्ञान होती क्या है, ठीक है। पादप रोग विज्ञान या जिसे हम बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी, तो पादप रोग विज्ञान या फाइटोपैथोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के तीन शब्दों से हुई है। कितने ग्रीक भाषा के तीन शब्दों से हुई है, ये है आपके तीन शब्द। पहला है फाइटोन, तो फाइटोन का मतलब क्या होता है, प्लांट या पादप। दूसरा है पैथोस, तो पैथोस का मतलब क्या होता है, शब्द या एलिमेंट्स जिसे हम हिंदी में कीड़ा या रोग बोलते हैं। उसके बाद है तीसरा आपका लॉगस, तो लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी और नॉलेज, जिसका जिसमें अध्ययन या ज्ञान से हुई है। तो क्या है पादप रोग विज्ञान का अध्ययन क्या है, जिसमें हम पादप मतलब प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में और पौधों के रोगों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि प्लांट पैथोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। तो प्लांट पैथोलॉजी की डेफिनेशन है आपकी पादप रोग विज्ञान कृषि विज्ञान वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है। एक बार और रिपीट करेंगे कि पादप रोग विज्ञान कृषि विज्ञान वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है, जिसके अंतर्गत पादप रोगों के कारणों, रोग हेतु विज्ञान, उनसे हुई हानि तथा उनके प्रबंध का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं। स्टूडेंट आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब उसके बाद प्लांट पैथोलॉजी के ऑब्जेक्ट उद्देश्य क्या है उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या उद्देश्य है प्लांट पैथोलॉजी के, कि हम प्लांट पैथोलॉजी के जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें हम क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो ये है उद्देश्य आपके ऑब्जेक्ट प्लांट पैथोलॉजी के। पहला ऑब्जेक्ट है पादप रोगों के जीवित आजीवित एवं पर्यावरण कारणों का अध्ययन करना है, कि प्लांट पैथोलॉजी में जो पादप रोगों के जीवित या आजीवित एवं पर्यावरण कारणों का अध्ययन करना है। दूसरा है आपका रोगजनक, ठीक है, पैथोजेन जिसे हम बोलते हैं, रोगजनक द्वारा रोग डिसीज जिसे बोलते हैं, है ना, रोगजनक द्वारा रोग विकास की क्रिया विधि का अध्ययन करना है, ठीक है, कि जो रोग लग रहे हैं प्लांट्स के अंदर कौन कौन से रोग लग रहे हैं उनकी क्रिया विधि के बारे में हमें क्या है बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करना है, कि प्लांट्स में कौन कौन से रोग लग रहे हैं, किसके कारण लग रहे हैं, तो हमें उन सब के बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद उसकी मैनेजमेंट के बारे में अध्ययन करना है, ना, प्रबंध के बारे में अध्ययन करना है कि इन रोगों को हम किस तरीके से समाप्त कर सकें, ठीक है। तो जो रोग लग रहे हैं उन रोगों के बारे में हमें अध्ययन करना है। नेक्स्ट आपका तीसरा उद्देश्य है पौधे एवं रोगजनक, ठीक है, पौधे मतलब प्लांट्स और रोग मतलब डिसीज दोनों के, है ना, पौधे एवं रोगजनक के मध्य में हुई परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करना, मतलब कि प्लांट्स के और रोग के बीच में जो मध्य परस्पर क्रिया होती है उन क्रियाओं के बारे में भी हमें बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, अध्ययन करना है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका रोगों के प्रबंध, हमने आपको बताया था कि रोग जो लगी है प्लांट्स के अंदर उनके प्रबंध मैनेजमेंट, ठीक है, कि विधियों, है ना, मेथड्स, है ना, जो कि प्लांट्स के अंदर रोग लग रहे हैं उनकी मैनेजमेंट, कि हम उनका मैनेजमेंट किस तरीके से कर सके, कौन सी विधि के द्वारा कर सके, मेथड के द्वारा कर सके, तो उनको विकसित करना, है ना, और पौधों में उनके द्वारा होने वाली हानि को क्या करना है, कम करना है। ये आपके प्लांट पैथोलॉजी के उद्देश्य हैं, ठीक है, जिन उद्देश्यों को हम पढ़कर प्लांट पैथोलॉजी का अध्ययन करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक पादप रोग विज्ञान का जनक किसको माना जाता है, तो भारत में आधुनिक पादप रोग विज्ञान का जनक ईजी बटलर को माना जाता है। तो स्टूडेंट आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है, धन्यवाद।